करते हुए हमला बोलते हुए। लेकिन इस बीच रायगढ़ से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल यहां पर वाहनों से 17,78,000 रुपए पाए गए हैं और चेकिंग के दौरान 4 गाड़ियों से ये कैश बरामद किया गया है। बता दें कि आचार संहिता के बीच में लगातार इस वक्त चेकिंग का और सघन चेकिंग का अभियान जारी है, लगातार सघन तलाशी अभियान हो रहा है। अलग अलग जिलों में अलग अलग पुलिस टीमें वाहनों की चेकिंग कर रही हैं और उसमें से अवैध शराब के साथ साथ भारी मात्रा में कैश और जेवरात की बरामदगी हो रही है। और यहां पर भी वाहन मालिकों के पास जब पैसों के दस्तावेज नहीं मिले तो पुलिस ने ये भारी मात्रा में 17,78,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। और सहयोगी हरपाल सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हरपाल, देखिए सघन तलाशी अभियान तो चल रहा है लेकिन ये जो कैश है वो भारी मात्रा में बरामद हो रहा है और एक वाहन नहीं बल्कि 4-4 वाहनों से कैश बरामद किया गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जैसे ही आचार संहिता लगा है, आचार संहिता लगने के बाद पुलिस जो है मुस्तैदी पर उतर गई है और जो सरहदी इलाके हैं, चूंकि रायगढ़ जिला उड़ीसा से लगा हुआ है, ऐसे में जो सरहदी इलाके हैं यहाँ पर पैसे की हेर फेर जो है बड़ी मात्रा में हो सकती है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। इसके मद्देनजर जो है पुलिस प्रशासन आचार संहिता लगने के बाद ही जो नियम है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। जो 50,000 से अधिक की रकम अपने साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं, इस लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर पैसे कहाँ से आए। और बात करें रायगढ़ पुलिस की तो 4 दिनों में लगभग 45 से 40 लाख रुपए की अब तक जब्ती हो चुकी है और जिन लोगों के पास से ये जो रकम मिल रहे हैं ये लोग उस पैसे से संबंधित जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर कहाँ से मिला, किसने दिया या इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना था। तो पुलिस जो है फिलहाल आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, लेकिन हरपाल ये 4 वाहन जो मालिक हैं और वाहन में जो मौजूद लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और ये कहाँ के हैं? क्या 4 रायगढ़ के ही हैं या फिर अलग अलग जगहों के? अभी तक जो जानकारी स्पष्ट हुई है उसमें कहना है कुछ लोग जो है, जो 4 वाहन है इसमें से एक वाहन जो है वो उड़ीसा सरहदी इलाके का है और जो 2 वाहन है वो रायगढ़ के है और एक अन्य जो है रायगढ़ से बाहर का है। तो इस तरह से जो 4 वाहन है वो अलग अलग जगह से है जिससे जो आवाजाही है वो रायगढ़ रूट होकर के उड़ीसा से आ रही थी। तो ऐसे में पुलिस ने पकड़ी है। तो अब तक की जो गाड़ियों में कार्रवाई हुई है वो ज्यादातर ऐसी गाड़ियां हैं जो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा पासिंग में है या फिर उड़ीसा से अन्य जिलों के लिए जा रही थी, ऐसे गाड़ियों में जो है बड़ी मात्रा में रकम मिली है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल।